व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, क्विक वन टुडे, एंड वी आर गोइंग टू अपग्रेड आर टाइगर 800 टू द टाइगर 1200. सो लेट्स गो एंड चेक आउट द न्यू बाइक दैट वी आर प्लानिंग टू राइड. आई एम वेरी ईगर टू हैव अ लुक एट द बाइक. सो लेट्स गो hop on to the Blanca which has come out from the basement after like almost a month or so. पीछे वाले टायर में थोड़ा सा प्रेशर लो है, बट थोड़ी सी बाइक चलाते हैं और टाइगर 1200 चला के देखते हैं कैसी लगती है. मैंने GS चलाई है पर टाइगर 1200 अभी तक नहीं चलाई, सो साइड बाई साइड कंपेयर करते हैं 800 और 1200 में क्या क्या फ़र्क है. एज आई टोल्ड यू, एक महीना हो गया बाइक निकाले हुए एंड थोड़ी सी बारिश गिर रही है तो साफ़ हो रही है. मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगी थी, मैंने हल्का सा डस्ट ऑफ किया चीज़ों को, बट अभी भी थोड़ी बहुत गंदी है. As you can see, इतने दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी कि बाइक को ना छूने का दिल नहीं कर रहा था, बट अब थोड़ा सा देखो जैसे ड्रिजलिंग इस समय भी हो रही है. सो आई एम काइंड ऑफ ईगर टू राइड द बाइक नाउ. सो फर्स्ट टाइम डेट आई एम वेयरिंग दिस राइनॉक्स स्टॉर्म ईवो जैकेट. एज यू माइट हैव सीन, पहले दिन ही पहनी है, बारिश हो गई है. सिंस आई एम नॉट गोइंग टू फार, जस्ट अबाउट लाइक 4-5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस, सो रेन लाइनर वगैरह निकालने का दिल नहीं कर रहा कुछ खास. बट लेट्स स्टार्ट आर लवली ब्लैंका. There she goes in the first self and let's go guys. Feels so good. As I say always, hopping onto the bike after a break. Ladakh ki ride ho gayi, Isuzu pe family ke saath lamba trip ho gaya. Bike pe abhi tak koi lamba trip nahi hua. Last ride hamari April 2nd se leke 5th ke beech mein hui thi. Jo maine Atal Tunnel aur Sisu wagera gaya tha main. But ab hopefully जल्दी से ही नंबर आएगा अपनी प्यारी टाइगर 800 को ले जाने का. कहीं इस आवाज़ को सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ईगर हो जाता हूँ बीच बीच में. और चक्कर क्या है ना, बाइक चलाओ ना काफ़ी ज़रा दिन तो आप ना फीलिंग भूल जाते हो बाइक चलाने की. वही मेरे साथ हो रहा है. इतने दिनों बाद बाइक चलाने पर ना बहुत ऑड सा लग रहा है, जबकि दिस इज़ द फीलिंग डैट आई रियली लिव फॉर. गाड़ी पहाड़ों में चलाने का वो मज़ा है ही नहीं जो बाइक चलाने का है. But somehow I have kind of forgotten this feeling. But hopefully this is not going to last too long. Within the next 2-3 minutes I'll be back in form, because this is what we really want to do. ये जो मौसम हो गया ना, इसमें मज़ा आता है राइड करने का. वो जो गंदी ह्यूमिडिटी है वो इस समय ख़त्म हो जाती है. We are kind of in mid July right now, तो monsoons have started. और ये जो ग्राउल है ना बॉस टाइगर की, विंडशील्ड के पीछे छुप जाओ तो थोड़ा सा कम लगती है बारिश. हम तो 101 मिनट में पहुंच जाते हैं. जो मुझे आज टाइगर 1200 ट्राई करनी है उसके लिए बेस्ट वेदर नहीं है, बट आई थिंक तुषार, एक्चुअली मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई थी व्हेन ही वाज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर हिज नेक्स्ट बिग बाइक. ही वॉज एक्चुअली राइडिंग एन इंटरसेप्टर 650 बिफोर दिस. आफ्टर अ ब्रेक आई थिंक ही इज़ गेटिंग एन बाइक फाइनली. एंड हमारे बीच में काफ़ी लंबा डिस्कशन चला एक डेढ़ महीना. सो उसने एक्चुअली काफ़ी सारी बाइक्स कंसिडर करी थी एंड उसके बाद ही फाइनली जीरो डाउन ऑन द बाइक दैट वी आर गोइंग टू सी, द टाइगर 1200 विच वॉज एक्चुअली ब्रांडेड एज द एक्सप्लोरर. जीन्स गीली हो रही है, सोच के आना चाहिए था बाइक पे, बट पहली बारिश के मज़े ले रहे हैं राइडिंग इन रेन, और क्या चाहिए चलता है भाई, चलता है सब. और इसी बहाने बाइक भी थोड़ी धुल रही है. गले खोल दिए मैंने आज इंजन के, पूरे खोल दिए आज. फुल राइडिंग बूट्स नहीं पहने, जो मेरे एंकल लेंथ राइडिंग बूट्स हैं वो पहने हुए हैं. उसके कारण ये जो पानी है रोड पे, ये सारा उछल उछल के मेरे शिन पे और काफ पे वाला जो एरिया है जीन्स का, वो गीला कर रहा है. जीन्स तो भाई साहब हो ही गई है ऑलमोस्ट अच्छी खासी गीली. सो द टाइगर 1200 इज हेयर एंड it's a white color and see how beautiful it looks. Here is the 1200 for you. I mean this plain white tank without any tank protection, without any tank grips, looks stunning. This looks pearl white and very good. So this is the big brother, this is the Explorer model, as I showed you, Explorer XEX.
अभी जो आई थिंक 1200 तो आती नहीं है, आती भी है तो आई थिंक काफ़ी आउटडेटेड मॉडल है. एंड दिस इज़ द 800 आर ओन ब्लैंका. यू सी द डिफरेंस इन साइज हेयर. दिस टैंक लुक्स सो मच मोर मीटियर देन दिस वन फ्रॉम द 800. दिस इज़ अ लिटिल स्लिमर इन प्रोफाइल and it is much better suited for off roads and that is a proper cruiser and it has a sharp drive. ये देखा है आपने इसमें? इसमें chain नहीं होती. हाँ इसमें chain नहीं. हाँ इधर यहाँ पे you have the traditional chain drive and यहाँ पे you have a sharp drive. और इसमें ये पंगा भी नहीं होगा आपको कभी कि chain को loop करना है, chain को clean करना है, हमेशा सही चलती है. बट अगर इसमें कभी problem हुई तो मोटा खर्चा. And you have an aero exhaust as well. इसको on करके दिखाओ भाई तुषार. दिस इज़ तुषार. इन्होंने ख़रीदी है आज बाइक. सो ये भी भीगते हुए आए हैं मेरी तरह. बुरी तरह आज भीगे हैं हम लोग. स्टार्ट करो यार इसे. दो टाइप की ट्रिप्स दिखा रहा है. फ्यूल दिखा रहा है रेंज 60.1 किलोमीटर्स. रेन मोड में है. इसमें थ्री पॉट क्लस्टर है बेसिकली. एक सेंटर वाला है, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला. राइट वाले में आपका स्पीड एंड ऑल दिखाएगा सारा. इधर सारा ट्रिप मीटर और बाकी बीच में RPM. करो जी स्टार्ट. जो एरो एग्जॉस्ट है वो मोटा है. सो ये 800 का एग्जॉस्ट देखो इसके सामने कैसा लग रहा है. और 1200 का. ओह एक अलग सी डीप सी ग्राउल है. थोड़ा सा डीपर एग्जॉस्ट नोट है इसका. डीप है ना. तो इसमें बेसिकली ये वाला इंजन प्रोटेक्शन तो है. एक आपको ऊपर, एक यहाँ पे लगवाना पड़ेगा जैसे मैंने लगाया हुआ ना यहाँ पे. इसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि ये कम से कम 10,000 का है मिनिमम. अगर इस एवरेज ब्रांड का भी लो, अगर अच्छी ब्रांड का लोगे हैप्को ब्रेकर और वगैरह का तो 20,000 के आते हैं. और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत लगती है कि इसमें और कुछ चीज़ करानी? एक चीज़ आपको जो करानी पड़ेगी वो है बाग बस्टर्स, जो मैं सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से यूज़फुल है. ये देखो आप इसके अंदर ये जो इसके पीछे ये स्पाइन लगी हुई है देख रहे हो आप. ये हाँ, ये क्या होता है बाइक अगर आपकी जब गिरती है. अच्छा. तो आपका ये कभी नहीं टूटता. अगर ये टूट गया आपका किसी ट्रिप में तो वहीं आपकी राइड खत्म. फिर आपको टेम्पो में डाल के बाइक लानी पड़ेगी. तो ये भी आते हैं 8-9,000 के. तो बेसिकली लॉन्ग राइड करने वाले लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो खास करके थोड़ा ऑफ रोड पर भी चलाते हैं तो उनके लिए बाग बस्टर्स इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ऑन रोड ही चलानी है तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है. बट जैसे नॉर्मल भी गिरती है बाइक उसमें लिवर नहीं टूटेगा, ये आपका बचा लेगा. वैसे अभी फिलहाल पीछे वाली जो सीट है इसका कंफर्ट आप इससे कंपेयर कर लो. ये देख लो सामने सामने. ये तो सोफा लग रहा है यार. अच्छा इसमें हीटेड ग्रिप्स भी हैं. हीटेड सीट नहीं लगाई हुई. हीटेड सीट आई थिंक इनका एक्सटेंशन एडिशन एक्सेसरी होगी हीटेड सीट इनकी. ये देखो ना यहाँ पे हीटेड सीट जो बनी होती हैं ऐसे बनी होती हैं. ये ये आपकी हीटेड सीट. हाँ आगे वाली पीछे वाली. आप में ये दोनों है. इधर इन्हें लगाई नहीं हुई, वो लग जाती है वैसे लगवाना चाहे बंदा. बाकी देखो क्रूज कंट्रोल यहाँ पे है आपका. एक चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पे देखो, फेयरिंग के हिसाब से इन्होंने ना पूरा विंड प्रोटेक्शन के लिए ये दिया हुआ है. सो ये मोर एरोडायनामिक है कंपेयर टू दैट. वो देखो वहाँ पे सिर्फ एक बीक है 800 में. ये भी ना एड ऑन आती है कई बाइक्स में. इसका जो लोअर मॉडल्स आते हैं उसमें बीक नहीं मिलेगी आपको. इसमें आपको बीक इनबिल्ट है और बीक के साथ फ्लो हो रहा है यहाँ पे पूरा, जिससे एरोडायनामिकली एयर ज़्यादा बेटर कटेगी यहाँ पे. सबसे जो इसका ऑसम फीचर मुझे लगता है कि स्क्रीन विंडशील्ड आपकी ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होती है, जैसे गोल्डविंग में होती है ना इसमें भी होती है. हमें आती ही नहीं आती, वो देखते हैं कैसे करना है. ये यहाँ वाला जो डिपर वाला बटन है दैट इज़ अ सिलेक्ट बटन. उससे आप इस मेन्यू में आ गए विंडशील्ड के और ये आपकी ऊपर नीचे हो रही है. ये नीचे हो गई. आपको नीचे करनी है? टाइगर 800 के बाद 1250% इंक्रीज इन पावर हो गया डायरेक्टली. आज थोड़ा सा तो खोलें. Wow man, what wind protection. Droplets of water are kind of flying away from this windscreen kyunki ye khadi hui thi barish mein. But definitely it feels a lot heavier than the 800. Mode de samay you can kind of feel the weight.
हो, वाओ वाओ वाओ। ब्रेम्बो का बाइट यार नेक्स्ट लेवल है। वाओ। एक बार ना आप इसकी जाके ना वो करा लेना डीप क्लीन, जो बेसिकली ये जो स्पोक्स देख रहे हो ना आप पे, इस पे काफी ज्यादा जंग आया हुआ है। आप डीप क्लीनिंग वगैरह कराना, एंटी रस्ट करवाना इस पे ट्रीटमेंट, क्योंकि स्पोक्स ना फिर ना खराब हो जाते हैं। ये गोल चक्कर से राइट लोगे, सामने एक्सप्रेस वे चढ़ रहा होगा लेफ्ट में, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, आराम से चलाना जरा, गियर नहीं है। 70-80 में मैं तो कह रहा हूँ क्रूज कंट्रोल सेट करके एंजॉय करो। So guys, that was our short and sweet ride of the Tiger 1200. I hope आपको अच्छा लगा। If you like the video, you know what to do, like it and subscribe to the channel. Share करने का दिल करे तो share भी कर देना, and do follow me on my Instagram 23rides. वहाँ पे भी support दिखाओ थोड़ा, और channel को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से grow करते हैं। Till then, see you and I'll see you in the next one.